मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर ने लाइव प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर लगाए सीधे आरोप। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा। आज के इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से जिसलिए आप लोगों को बुलाकर मैंने जो बताना चाह रहा हूं मैं कि जैसे हम देख रहे हैं कल मानसून सत्र केंद्र यानी संसदीय सत्र जो शुरू हो गया है और उसमें कल के घटनाक्रम से जो चीजें निकल करके आई वो बहुत ही एक प्रकार की चिंता पैदा करने वाली है, बहुत ही एक प्रकार से ध्यान आकर्षण करने वाली है। इस बार के मानसून सत्र में आखिर संकेत पहले मिलते हैं कि किन किन बातों को लेकर के चीजें आगे बढ़ेंगी, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछले वर्ग के लिए कुछ योजनाओं पर चर्चा जरूर लोकसभा के सेशन में होनी थी, होनी भी है अभी, और उसमें कई प्रकार की बातें उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आने वाली हैं, ऐसा जो पहले से इंगित है। लेकिन विरोधी पक्ष कांग्रेस का एक हमेशा एक टारगेट रहा है कि कभी भी देश में कोई अच्छी बात होने की संभावना हो तो उससे पहले कुछ ताकतों के साथ मिलकर के उन चीजों को कैसे डिरेल करना है, प्रारंभ में ही उसके ऊपर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए। तो जिस प्रकार कल उन्होंने ये सब किया है कि एक कंपनी है पेगासस जिसकी मदर कंपनी एनएसओ है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीजों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे, जबकि हमारी सरकार का किसी प्रकार का दूर दूर तक इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और उनके यहां का इतिहास तो ये है कि आपको ध्यान में होगा एक बार उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के गृहमंत्री थे पी चिदंबरम, उनके खिलाफ कितना एक सीरियस एक खतरनाक पत्र लिखा था कि गृहमंत्री वित्त मंत्री के फोन टेपिंग करा रहे हैं, कैसे चंद्रशेखर की सरकार को दो जासूसों की कहानी बनाकर कैसे गिरा दिया गया, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 9000 लोगों की ऐसी एक लिस्ट है जो यूपीए के समय जिन लोगों की फोन टेपिंग होती रही, 9000, तो ये इतिहास भरा पड़ा उनका, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा ही नहीं रहता है, लोकतांत्रिक तरीकों से चीजों को चलाने का उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है ये इमरजेंसी में हमने देखा है, ये भी उसी कांग्रेस के कारनामों की एक उदाहरण है। तो इसलिए जासूसी में उन्होंने अपने जो साथी उनके थे, चाहे वो सीताराम येचुरी वामपंथी नेता हैं, जलिलता हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, ममता बनर्जी हैं, उनके फोन टेपिंग उन्होंने कराई, इनकी शिकायतें रही हमेशा। जब न्यूक्लियर डील था उस समय अमर सिंह की फोन टेप कॉल्स ये उन्होंने कराई है, अमर सिंह ने खुलकर शिकायतें की कि मेरे फोन कॉल्स को टेप किया जा रहा है। तो ये इनकी संस्कृति रही है, इस संस्कृति से बाहर नहीं निकले हैं, और जब भी कोई इनका टाइमिंग बड़ा सेट होता है, इस टाइमिंग में जब इनको लगता है कि आज हमें और कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का पिछले 7 साल से 8 साल से कार्यकाल जो अब पूरा हो रहा है, इसमें इनको कुछ नहीं मिला,
जनता हित की, राष्ट्रवादी विचारधारा की एक सरकार चल रही है और इसमें खास करके वो भी जब षड्यंत्र रचते तो विदेशी सहायता लेकर रचते हैं। यानी अब ये अगर हम पेगासस देखें तो एक दिन पहले 18 तारीख को एक स्टोरी ये लीक कराई जाती है द वायर के माध्यम से, और ये द वायर भी ये वामपंथी पत्र है, वामपंथियों का एक इस प्रकार का एक बना हुआ है नक्सस। और उससे पहले कुछ दिन पहले यूरोप के अंदर एमनेस्टी नाम की जो संस्था है वो अपने वेबसाइट के ऊपर इन कहानियों को चलाती है। एमनेस्टी ने वहां से छापा, यहां वायर ने पकड़ लिया और वायर ने उठा करके ये विषय उड़ा दिया कि यहां तो पता नहीं कितने लोगों की सारी फोन टेपिंग हो रही है और उनके मनसूबे जो किए जा रहे हैं। हमको क्या जरूरत है इनके फोन टेपिंग करने की, क्योंकि तो बिना फोन टेपिंग ही जनता में जो बोल देते हैं वही इतना हास्यास्पद होता है कि उसी का जो इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमको इनके अंदर की बातें ज्यादा निकालने की जरूरत होती नहीं है, ये बहुत कुछ वैसे ही बोल जाते हैं। और इस सारी स्टोरी की सत्यता तो ऑथेंटिसिटी तो हम इस बात से दान कर सकते हैं, ये एमनेस्टी संस्था ये इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल संस्था की अपने जो उनके जिसको कहना चाहिए उनकी अपनी विश्वसनीयता उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। एमनेस्टी जब भी भारत में आकर के काम करने लगी तो इनसे पूछा गया कि आप ये सब काम करते हैं, आपने सोर्स ऑफ फंडिंग ये बताओ, तो इन्होंने सोर्स ऑफ फंडिंग बताने के बजाय ये कह करके कि भारत में काम करना बड़ा मुश्किल है, यहां से बिस्तर बोरी लग जाओ, और ये एमनेस्टी बिस्तर बोरिया बांध के चली गई। तो जो संस्था अपने सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बता सकती उसकी कहानी के ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके सबके तार ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जो भारत देश की इमेज को खराब करना चाहते हैं। कांग्रेस के ऊपर मेरा सीधा आरोप है, कोई ऐसी बात हमारे खिलाफ कहें, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहें या केंद्र सरकार के खिलाफ कहें, जिसका कम से कम देश की जो हमारी संप्रभुता है, देश का जो हमारा मान सम्मान है उसका तो ध्यान रखें। कोई अपने देश के अंदर की कोई बातें कह करके अगर कोई आलोचना होती है तो हम सहन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारे देश की इमेज विदेशों में घटती है ऐसी चीजों से इनको सावधान रहना चाहिए, इस प्रकार के खेल ना खेलें वरना देश का अहित होगा, हमारे बारे में विश्वसनीयता ये घटेगी। आज देश दुनिया में किसी एक लेवल पर पहुंचा है वो मोदी जी की नीतियों के कारण से, एनडीए की नीतियों के कारण से हम लोग कहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसको धरातल पर न उतरने देने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए जिस प्रकार की कहानियां ये बनाते हैं, तो इन कहानियों को जैसा ये कर रहे हैं इसकी मैं निंदा करता हूं। और कुल मिलाकर के देश की जनता इन बातों को ध्यान रखेगी कि ऐसे किसी विदेशी संस्था के साथ कांग्रेस जो षड्यंत्र करके जिस प्रकार का ये फोन टेपिंग कंट्रोवर्सी को इन्होंने उछाला है, ये सिस्टमेटिक तरीके से भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का ये काम है, इसकी निंदा हम सब करते हैं। इतनी ही बात आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आपके सामने रखनी थी। जो आप ये चिंता बता रहे हैं ये आपके पास आधिकारिक सूचना भारत सरकार से आई है, क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल इश्यू चल रहा है तो आपके पास हमारे पास अपना जो सूचना है जिस अधिकार से आप कह रहे हैं कि सब सदियों रच रहे हैं ये आधिकारिक बयान है। जब से कल ये सारा लोकसभा विषय उठा है मैं इसके ऊपर 10 घंटे लगातार मैंने लगाए हैं, मेरी जानकारियां ऑथेंटिक जानकारियां हैं, ये सरकार की एजेंसियों के माध्यम से भी जानकारियां हैं, ये वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारियां हैं, ये मीडिया के माध्यम से भी जानकारियां हैं, सभी सोर्सेज से जानकारियों के आधार पर मैं कह रहा हूं। चूंकि जब एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में आया
उनसे भारत सरकार ने पूछा कि आपके सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, उन्होंने बताया नहीं बल्कि अपना बिस्तर बोरी लाद करके चले गए। ये तो फैक्ट है, इस फैक्ट के अंदर मुझे कोई अनुमान नहीं लगाना है। कांग्रेस का जो इतिहास है पिछला, वो सारा फैक्ट है। चंद्रशेखर सरकार गिरी कि नहीं गिरी, दो जासूसों के जासूस के कारण से गिरी ना, हरियाणा पुलिस के जासूसों के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया क्योंकि कांग्रेस को समर्थन वापस लेना था। आखिर प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर दो सीआईडी वाले मिल जाएंगे तो इसे सरकार गिरती है क्या? सीआईडी वालों के अपने काम है, करते हैं। अब मेरे बगल में सीआईडी चीफ बैठे हैं तो इसका क्या, मैं ये क्या कहूं कि भी ये सब सीआईडी करने आए हैं? इनको आपके आप साथ में लेकर कोई मकसद तो है? मकसद तो यह है कि इनकी जानकारियां बहुत ज्यादा हैं। इनकी जानकारियां, सीआईडी का काम होता है जानकारियां रखना, और जानकारियां मैंने इनसे भी ली है। ये भी पहले आईबी में थे। नहीं नहीं, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है बताने में, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। और ये सारी जानकारियां हम सामान्य व्यक्तियों की बजाय जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादा जानकारी रखते हैं, हमसे ज्यादा रखते हैं, इनका काम है ये। देखिए 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 देखिए, ये जो एजेंसियां होती हैं जो इस प्रकार के खुफिया तंत्र के सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर दुनिया को बेचते हैं। किसको बेचते हैं, किसको नहीं बेचते हैं, उनका अपना इंटरनल मामला, कौन खरीदता है कौन नहीं खरीदता, ये खरीदने वाले का मामला है, क्या उनका हेतु होता है ये उनका मामला है। लेकिन उसके अंदर बहुत से जो उनका डाटा बनता है टेलीफोन नंबर्स का, पता नहीं, हो सकता मेरा भी टेलीफोन नंबर उसमें हो, आप लोगों का भी किसी में हो, तो डाटा बेस जो होता है फोन नंबर्स का, वो जो 50,000 फोन नंबर्स जो रिलीज किए गए हैं, वो उनके हो सकता है टारगेट रहे हों, लेकिन वो टारगेट किसने बनाया और कौन सी कंपनी ने कहां से जाके लिए और वो सारे कोई उनके ऊपर कोई स्पाईवेयर काम किया कि नहीं किया, ये कहीं कोई प्रमाण नहीं है। मेरा फोन भी है, मैं भी सावधानी से ही अपनी बात करूंगा क्योंकि हो सकता है मेरे फोन भी कहीं ना कहीं किसी ने लगा रखा हो। दुनिया में बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो इस प्रकार के जासूसी काम करते हैं, दुनिया में है, लेकिन हमारा उसमें क्या रोल है? हम तो हो सकता है स्वयं उसमें फंसते हों, लेकिन हमारा इसमें रोल नहीं है। अगर कोई जासूसी कंपनी ने कोई 50,000 नंबर आउट किए हैं तो ये वो कंपनी अपने रिसर्च सेंटर में बताएगी कि क्या है क्या नहीं है। ये शोर तो यही मच रहा है सर कि ये जो पेगासस का सॉफ्टवेयर है वो केवल सरकार को ही बेचती है? नहीं नहीं, प्राइवेट एजेंसियां भी लेती हैं उनसे। हाँ, वो भी लेती हैं। अब ये हो सकता है कि प्राइवेट एजेंसियां उनसे प्राइवेट तरीके से लेती हों, डिक्लेयर ना करती हों, क्योंकि बनाने वाली जो एजेंसी प्राइवेट है, ये कौन सी सरकारी है? नहीं, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी के नंबर किसी प्राइवेट एजेंसी ने ले रखे होंगे और हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो हम ढूंढ जरूर देंगे। हमारे पास कोई शिकायत आए तो हमारे पास इतने सिस्टम हैं कि उसको ढूंढ जरूर देंगे। उनको कैसे ओवरशेडो किया जाए, उनके ऊपर कैसे एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जाए जिसके अंदर चर्चा चलती रहे और बाकी सारे विषय गौण हो जाए। मुख्यमंत्री जी, दुनिया के 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये प्रकाशित प्रोजेक्ट पर काम किया, क्या आपका मानना है कि ये सारे वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए? उसमें वायर एक है। हाँ, वायर एक है। तो वायर वामपंथी है, आप सिद्ध कर लीजिए। वाशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, सब ऐसी ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिन संस्थाओं का किसी देश के साथ कोई लगाव नहीं है। ये सब अपने अपने तरीके से ये काम करने वाली संस्थाएं हैं, ये कोई देशभक्ति या देश के प्रति प्यार रखने वाली संस्थाएं नहीं है। सवाल ये है कि लोकसभा से पहले क्यों आते हैं? क्या करें? हाँ, सरकार ने, फ्रांस की सरकार ने तो करे ना, करे ना, फ्रांस की सरकार जांच करे,
और जांच के तथ्य जो सामने आएंगे उसके बारे में अपनी टिप्पणी करेंगे कि हाँ सरकार ने किस मंसूबे से किए, क्योंकि कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के बारे में कोई बात टिप्पणी करता है और कोई जांच कराता है उसका भी अपना कोई मंसूबा हो सकता है। हमारे अपने देश की एजेंसी पर तो हम भरोसा करेंगे, लेकिन बाहर की एजेंसी के ऊपर हम एकदम को भरोसा करने की बात नहीं है। जब चीजें तथ्य सामने आएंगे तब देखेंगे। और देखिए इन सारी बातों का एक जो मुख्य बात है, मान लो ये विषय था भी सही, कोई ऐसा असल में तो कोई है नहीं, लेकिन इसकी कोई विषय को उठाना ही था तो ये 20 दिन पहले, महीना पहले, दो महीने पहले, 15 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? विषय तो ये सालों से चल रहा है, ये कंपनी 2018 से ये काम कर रही है। विधानसभा का, लोकसभा का सत्र शुरू हुआ उससे एक दिन पहले इस विषय को उठाने का हेतु क्या है? ताकि हमें शोर मचाने के लिए कोई मुद्दा मिल जाए, क्योंकि सब तो जरूरी नहीं कि 10 घंटे का समय लगाएंगे, जैसा आज मैं अथॉरिटेटिव बोल रहा हूं ऐसे सब लोग 10-10 घंटे का समय लगाएंगे और फिर जाके बोलेंगे। लोकसभा में हर प्रकार के लोग बैठे हैं, अब उनको अपनी बात को ऐसे बताने के लिए कि हाँ भाई हम बहुत, ये बहुत बड़ा कुछ कर लिया हमने और उसके कारण से शोर मचाना और विधानसभा को, लोकसभा को न चलने देना, क्योंकि पहले भी कई किस्से ऐसे आए हैं जब किसी मुद्दे को पकड़ते हैं लोकसभा को कितने कितने दिन अवरोध डालना। ये जो अवरोधक है ये वास्तव में देश की प्रगति में अवरोध पैदा करते हैं, ये सरकार चलाने में अवरोध पैदा नहीं कर रहे, देश की प्रोग्रेस में अवरोध पैदा कर रहे हैं। नहीं तो करेगी तो उनको जवाब मिलेगा, लोकतंत्र तरीके में प्रदर्शन करें, प्रदर्शन करना अधिकार है सबका, लेकिन प्रदर्शन करने में जो कहेंगे उसका जवाब तो हम देंगे ही। लोगों को लोक जागरण तो तभी होता है जो लोगों में ये सारी बातें जाएंगी। आखिर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हेतु क्यों ध्यान में आया? इसलिए कि इन विषयों की जानकारी आपके माध्यम से लोगों को मिले, लोगों का जागरण हो कि कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस की काली करतूतें ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, न ये देश में होंगे न हरियाणा में होंगे। हरियाणा की बात बताता हूं आपको, अब सीएमआईई क्या है संस्था, सीएमआईई हर बार, ये पिछले 1.5 साल से, दो साल से कि बेरोजगारी 29% हो गई, बेरोजगारी 35% हो गई, बेरोजगारी 36% हो गई, और हमने कहा कि सेल्फ डिक्लेयर्ड, जिन लोगों ने डिक्लेयर किया कि मैं बेरोजगार हूं, वो 6.1 है हमारे पास। तो अब क्योंकि हमने तरीका खोज लिया अपना, ये तो सैंपल इकट्ठा करते होंगे सीएमआई वाले, तो 2000 सैंपल ले लिए, उसमें कुछ रिटायर्ड लोगों भी डाल लिया कुछ और। अब रिटायर्ड आदमी क्या कहेगा, मैं रोजगार वाला हूं, 60 साल से ऊपर के आदमी का तो पूछने का कारण ही नहीं है। बेरोजगारी होती है 18 साल से 60 साल के बीच में, 18 से 58। इन ये जो 40 वर्ष का जो कार्यकाल है किसी का, इसमें रोजगार है कि बेरोजगार है इन्हीं का मूल्यांकन होता है। अब 75 साल के आदमी को आप कहेंगे क्या बेरोजगार है कि रोजगार है, कोई अर्थ है? या किसी स्कूल कॉलेज विद्यार्थी को कहेंगे रोजगार है कि बेरोजगार है, कोई अर्थ है उसका? कोई अर्थ नहीं। कुल मिलाकर सेल्फ डिक्लेयर्ड लोगों ने 6.101% लोगों ने कहा कि हाँ मैं बेरोजगार हूं, और मानते हैं 3 से 5% बेरोजगारी हर एक देश में, हर एक प्रांत में, हर जगह रहेगी। मैं बहुत जल्दी फिर मिलने वाला हूं, साहब फिर करेंगे। मेरा कहना कि हमें तो अपने बारे में विचार करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कौन क्या खेल खेल रहे हैं। आखिर चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे इंडिविजुअल्स हों, चाहे कंपनीज हों, चाहे समूह हों, कोई भी हों, देश हित को जरूर सर्वोपरि रखना चाहिए, देश हित के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और आज का ये जो विषय मैं बता रहा हूं ये देश की प्रतिष्ठा के को एक चोट पहुंचाने वाला विषय है, इस ओर जरूर आप यानी जनता को बताएं, अपने साधनों से बताएं। इतनी बात मुझे कहनी है, बहुत बहुत धन्यवाद।